स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? ए आसियान शिखर सम्मेलन, बी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी G20 शिखर सम्मेलन, डी क्वाड लीडर्स समिट। आंसर डी क्वाड लीडर्स समिट। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। वह डेलावेयर में 4th वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। अगला प्रश्न। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1956, बी 1960, सी 1967, डी 1987। आंसर बी 1960। एक्सप्लेनेशन, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के प्रावधानों के तहत पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी भारत द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत समय समय पर दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना केंद्र कहाँ खोला है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी नालंदा, डी सूरत। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में एक केंद्र खोला गया है। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली भारत में विश्वविद्यालय के केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। ये समुदाय, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के बीच सहयोग और सूचना साझा करना आसान बनाएगा। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्देश्य कैंपस के बाहर सीखने का माहौल या शिक्षण के लिए नहीं है। अगला प्रश्न। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा जा रहा है? ए कल्कि, बी स्त्री 2, सी लापता लेडीज, डी बैड न्यूज। आंसर सी लापता लेडीज। एक्सप्लेनेशन, किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज को 29 फिल्मों में से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। इसका निर्माण किरण राव और आमिर खान ने मिलकर किया है। फिल्म देखते समय बार बार गोविंद मुनिस निर्देशित नदिया के पार के फ्रेम याद आते रहते हैं। वैसा ही सच्चा सा दिखता ग्राम्य जीवन और वैसे ही कहानी के किरदार। दिलचस्प बात यह है कि 24 साल पहले भी आमिर खान की फिल्म को ही इस श्रेणी में चुना गया था। अगला प्रश्न। भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? ए पुरुष और महिला दोनों टीमें, बी केवल पुरुषों की टीम, सी केवल युवा टीम, डी केवल महिला टीम। आंसर ए पुरुष और महिला दोनों टीमें। एक्सप्लेनेशन, 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया, जबकि महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा।